हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण मेरिकल्स को सॉल्व कराने वाला हैं, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का जो आपका शिखर मान है वो आपका कितना दे दिया है, 10√2 एम्पियर है। तो उसके बाद से आपका बोल रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि स्क्वायर रूट मीन वैल्यू हमको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में आपका मान कुछ दे दिया हो तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका हल। उसके बाद से लिखेंगे फ्रेंड्स कि दिया है, गिवेन, इसको हम लिख सकते हैं गिवेन डैट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। तो देखिए, आपका दिया है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, तो शिखर मान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स आई नॉट से। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई नॉट। तो आई नॉट का मान कितना दे दिया है, 10 रूट में कितना दिया है, 2 दे दिया है। और इसका मात्रक आपका दिया है एम्पियर, ठीक है। अब देखिए, बोला है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि हमको भी, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमको IRMS का मान हमको क्या करना है कि ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसका मान जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ से देखिए आपका, देखिए IRMS बराबर आपका होता है फ्रेंड्स कि I नॉट अपान में √2 होता है। तो I नॉट का मान कितना दे दिया है, तो आपका दे दिया है 10 रूट में 2 और बट्टे में √2। तो देखिए, √2 से √2 को जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपका मान कितना जाएगा, 10। कितना जाएगा, 10। और ये आपका किस में आएगा, तो ये आपका आएगा एम्पियर में। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्पियर, तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर यानी कि IRMS जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो आपका आ गया, IRMS का मान आपका आ गया 10 एम्पियर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि एक प्रत्यावर्ती बोल्टता, देखिए इसमें आपका बोल रहा है प्रत्यावर्ती बोल्टता का जो समीकरण है, इक्वेशन दे दिया है, वो आपका दिया है भी बराबर 300√2 sin 500 πt वोल्ट है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स इसका हल। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स की हल, और जो भी आपका मान दिया है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स की दिया है। तो देखिए, क्वेश्चन में आपका क्या दे दिया है, तो आपका दिया है जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण वो आपका कितना दिया है, तो आपका देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में भी बराबर 300√2 और यहाँ पर दिया है साइन 500 पाई इंटू टी दे दिया है। तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, जो आपका इक्वेशन होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण होता है उससे हम क्या करेंगे कि तुलना करने पर, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर। तो जब इससे हम तुलना करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि भी नाट का मान कितना है, देखिए इस समीकरण से जब हम तुलना करेंगे तो भी नाट का जवाब देखिए कितना दिया है, तो आपका यहाँ पर लिखेंगे भी नाट बराबर, तो आपका कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 300 और रूट में कितना दिया है, 2। और यहाँ से देखिए ओमेगा का मान कितना दिया है, यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा, तो ओमेगा का मान कितना दिया है, देखिए ओमेगा का जवाब कितना दिया है, 500 पाई दिया है, 500 पाई दिया है। इतना तक समझ में आ गया। और देखिए साइन आपका नहीं रहेगा, केवल भी नाट और ओमेगा के जवाब पर लिख देंगे इसका मान। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति का मान हमको ज्ञात करना था। तो देखिए, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी कि VRMS, देखिए यहाँ से VRMS का मान हमको बताना है कि क्या हुआ। देखिए VRMS जो का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स, आपका देखिए क्या होता है, VRMS बराबर होता है भी नाट और अपान में क्या होता है, √2 होता है। तो भी नाट के जवाब कितना दिया है, आपका दिया है 300
300 और अंडर रूट में दिया 2 और बट्टे में क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 को जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ से देखिए वी आर एम एस, वी आर एम एस का मान कितना आ गया, वो आपका आ गया 300। अब देखिए यहाँ पर आपका बोल्ट दिया यानी कि प्रत्यावर्ती बोल्ट था, इसका मात्रा क्या हो जाएगा बोल्ट यानी कि 300 वोल्ट, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड, देखिए जो आपका क्वेश्चन और दूसरा दिया है इसका जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्गमान या मूलमान ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला गया है। इसके बाद से आपका देखिए इसमें बोल रहा है दूसरा कि आवृत्ति ज्ञात कीजिए, तो आवृत्ति को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं फ्रीक्वेंसी से। तो हम जानते हैं कि एक आपका सूत्र होता है फ्रेंड्स, और वो आपका सूत्र क्या होता है देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए ओमेगा, ओमेगा बराबर आपका होता है 2 पाई इंटू यफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यफ का मान हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा यफ बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा। और ओमेगा का जवाब देखिए कितना दिया है फ्रेंड्स, तो ओमेगा का जवाब कितना दिया है 500 पाई दिया है। तो यहाँ पर देखिए ओमेगा का जवाब हम लिखेंगे 500 पाई और बट्टे में 2 पाई, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 500 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 250। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो आपका होता है हर्ट्ज यानी कि एच जेड। तो देखिए यहाँ से जो आपका आवृत्ति का जो मान आ गया, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका आवृत्ति यफ का जो मान आ गया वो आपका आ गया 250 हर्ट्ज, और यहाँ पे जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्ट था वी आर एम एस का मान आ गया वो आपका आ गया 300 वोल्ट। तो यही आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।